जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आपको करा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर 5, राइट। तो आपको जैसा कि पता है, चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में पहले हमने पदों का ज्ञान कराया, कितने पद होते हैं। उसके बाद इसमें देख रहा है कि पदों का योग कितना होता है। जैसे हमने एक बात कही आपसे, पहले देखिए यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एपी के प्रथम एन पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। एपी के प्रथम एन पदों का योग, मैंने जैसे आपको कहा कि ये एन पदों का योग क्या है, मैंने कहा क्लास में 1, 2, 3 डॉट 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 पता नहीं एन छात्र हैं, चाहे वो 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, हमें नहीं पता। तो हमें जब पता जाएगा इतने छात्र हैं, तो हमने क्या करा, अब हमने देखा कि इन छात्र को हम पहले को हम 5 रुपये देते हैं, दूसरे को 10 देते हैं, तीसरे को 15 देते हैं, इसी प्रकार से हर अगले छात्र को 5 रुपये बढ़ा के देते हैं, हर अगले छात्र को 5 रुपये बढ़ा के देते हैं। और इस प्रकार से यह प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो हमने कहा, हमने टोटल 200 छात्रों को रुपये बांटे, तो वो कितना हो गया। तो इसका हम कैलकुलेशन से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेटर से, तो इसलिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है, ठीक है ना, जिसका एक सूत्र है, इसको सम ऑफ एन टर्म से हम जिसे डिनोटेड करते हैं, ठीक है ना, जिसे हम किससे डिनोटेड करते हैं, एस से डिनोटेड करते हैं, किससे करते हैं, एस से। तो इसका फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस में एन माइनस वन और डी, ठीक है। अब इसी को हम फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये दो हैं, इसको ए प्लस में ए प्लस एन माइनस वन डी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसका वैल्यू क्या है आपको पता है, ए एन, ए एन हमें हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन और डी, इसको हम क्या बोलते हैं, ए एन। तो इसको नए रूप में दिखा सकते हैं कि a प्लस में an, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज़ होगा, किस प्रकार से यूज़ होगा, इसको हम आगे चल के बताएंगे। जस्ट इसी को, इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार भी जनरेट कर सकते हैं, a प्लस में l, l फॉर लास्ट टर्म, ठीक है ना। an भी हमारा लास्ट टर्म कहलाता है, an हमारा लास्ट टर्म कहलाता है। तो इसको हम इस प्रकार से ना लिख के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसका यूज़ किस प्रकार है, किस प्रकार से हम देखिए 5.3 के अंदर टोटल यही फॉर्मूला लगेगा, सारा सारा यही फॉर्मूला लगेगा। तो इस फॉर्मूला को समय ना गंवाते हुए यूज़ करना सिखाते हैं, कैसे यूज़ होगा। पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, इस वीडियो को पूरी देखना। और इसमें 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो बोर्ड में कंपलसरी आएगा, वो हम इसमें बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है, क्योंकि यदि हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तो एग्जाम्पल यहाँ पे सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। जैसा कि अगर मैं इसमें बताऊँ कि एग्जाम्पल 11 है, और एग्जाम्पल 11 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से रिलेटेड है। आप ज़रा देखिएगा किस तरह से इसको करा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी से पूरा रिलेटेड है। एक सेकेंड जी, क्वेश्चन नंबर और 5 भी, तो इस प्रकार से सारे मतलब क्वेश्चन नंबर 6 तक इसी से रिलेटेड है। आप करके देखिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको लगता है कि हम जो क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं और वो आपको नहीं आया है और उसी से हमने रिलेटेड एग्जाम्पल आपको दिया है और आपसे नहीं हो पा रहा है, तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, दोबारा आपको वीडियो प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हमें दिया हुआ है कि ए पी 8, 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द ए पी 8, 3 - 2। जब हमें पता है एपी दिया हुआ है, तो हमें एपी का पहला पद क्या हो गया, ठीक है ना भाई, एपी का प्रथम पद, ठीक है। जिस तरह से इसको करेंगे ये 3 नंबर में आता है, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, जो 22 है वो क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है।
ठीक है। तो n बराबर हमारे पास में क्या है, गिविन लिखे लेते हैं। गिविन में दिया है, क्या दिया है, दिया है n बराबर में 22, a बराबर में 8 और d बराबर हमें निकालना है a2 माइनस में a1 से। तो d बराबर a2 क्या है हमारे पास, 3 है, a 8 है a1, तो d बराबर में माइनस का 5 आ गया, d बराबर में माइनस का 5 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ठीक है, अब निकालेंगे हम सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, राइट, सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है। अगर हम इसे बोलें तो प्रथम 22 पदों का योग, जिसे हम किससे डिनोटेट करते हैं, S22 से, S22 फॉर्मूला क्या था हमारे पास, N22 मतलब कि सॉरी N/2 2A प्लस N-1D, यही था ना। तो हम 22 के स्थान पर अभी N ही लिखते हैं और SN के स्थान पे SN ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को जनरेट करते हैं आगे, 22 पदों का योग कह रहा है, तो S22 बराबर में 22/2 और यहाँ पे 2, A की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A की वैल्यू हमारे पास है 8, N की वैल्यू 22-1 और D की वैल्यू है -5, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। D की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 5 है, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए अब फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, 11, 8 दूनी 16 प्लस में 22 में से एक गया तो 21 गुणा में -5, ठीक है। 11, 16, 21 पंजे 105, ठीक है। अब देखिए 105 में से आपने ये माइनस का है ये प्लस का है, 16 को माइनस कर दिया, प्लस का जब जाएगा ये माइनस का है, तो 15 में से 6 गए 9, 9 में से एक गया 8, ठीक है, 89 किसका बचेगा, माइनस का, बराबर में आपका कितना बचेगा, माइनस का 11 गुणा में -89, ठीक है। कभी भी जब दो साइन आ रहे हों एक साथ तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक। अब आंसर आपका कितना आएगा, बराबर में 11 में 9 की गुणा करेंगे 99, 9 कैरी हो गया, 11 में 8 की गुणा करेंगे तो 88 और 9 कितना होता है, ठीक है, 7, 8 और 9 17, कैरी 1 और 9 97, 979 कितना आ गया, 979, बट किसका आया, माइनस का, किसका आया, माइनस का। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, माइनस का 979। सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स आर -979, क्लियर है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में से हम आपको कुछ पार्ट्स कराएंगे, ठीक है। देखिए किस किस पार्ट को करा सकते हैं, अभी हम उनसे रिलेटेड और क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आप पार्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का 4th पार्ट है, ठीक है। 3 का क्या है, 4th पार्ट है, तो 3 के 4th पार्ट को देखिएगा आप प्लीज़। तो 3 के 4th पार्ट में क्या दिया हुआ है, A3 बराबर में 15 और A10 बराबर 125 गिविन है, D और A10 ज्ञात करना है। गिविन A3 बराबर मतलब 3rd टर्म हमारा 15 है और 10 पदों का योग 125 है, फाइंड D एंड A10, राइट। अब हम सिंपल सी बात है, जो हमें दिया है हम उस बिहाफ पे काम करते हैं। तो जैसा कि जब आप सॉल्यूशन करोगे इसको तो किस प्रकार से करोगे, तो आपको क्या दिया है, गिविन, अब ये लिखते हैं A3 बराबर में 15 गिविन, राइट। तो A प्लस में 2D बराबर में 15 इक्वेशन फर्स्ट, इसी प्रकार से आप S10 इक्वल टू 125 ये भी आपको गिविन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10/2 2A प्लस
10 माइनस 1 डी बराबर 125। अगर आपको याद ना हो तो जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि जो ये SN होता है इसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है, यही होता है ना। तो इससे आगे जब आप चलेंगे तो क्या करेंगे भाई, 2 × 5 = 10, ठीक है, काट दिया। और आप इसे या तो ऐसे ही रहने दो या हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, जैसे 10/2 लिखा था, 10/2 इसे खोलो 2a प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए भाई, 9d हो जाएगा, राइट, 9d और बराबर में 125। तो बेस्ट यही होगा कि आप यहाँ पे काट दो। यदि यहाँ पे मान लो 10 या 12 आता हो तो हम 2 कॉमन ले सकते थे, मगर जस्ट अभी इससे पहले काट देते हैं 2 × 5 = 10। अब 2a प्लस 9d बराबर में 125 और नीचे 5 आ जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे भी काट सकते थे, 5 से इसे काटेंगे, 5 × 2 = 10 और 5 × 5 = 25। तो हमारे पास क्या आया, 2a प्लस 9d बराबर में 25। ये इक्वेशन सेकंड होगी, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए, प्लीज़ समझिए। देखिए हमारे पास में समीकरण फर्स्ट है और सेकंड है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमें या तो ई या तो डी हमें प्राप्त करना है, जो कि हमें ए और डी नहीं दिया हुआ है। जब दिया नहीं होता है, आपने चैप्टर थर्ड को पढ़ा था, वहाँ पे हमने आपको एलिमिनेशन मेथड कराया था, और एलिमिनेशन मेथड में किसी भी एक इंसान को, मतलब एक चर को, एक वेरिएबल को हम फिनिश करते थे। तो यहाँ पे ए और डी दिया हुआ है, या तो ए को ख़त्म करेंगे या डी को ख़त्म करेंगे। यदि हम ए को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ए है, यहाँ पे 2a है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहते हो आप लिखिए a प्लस 2d बराबर 15 इक्वेशन फर्स्ट, और 2a प्लस में 9d बराबर 25 इक्वेशन सेकंड। और क्या करेंगे आप यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। तो जब फर्स्ट इक्वेशन में आपने 2 से गुणा करा तो 2a प्लस में 2 × 4d बराबर में 15 × 30, और दूसरी वाली समीकरण एज इट इज आ जाएगी 2a प्लस 9d बराबर 25, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, और आपने इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे a ख़त्म हो गया, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 5d, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो बेटा d बराबर में 5/5 माइनस का 5, जब इसे आप काटोगे तो आएगा d बराबर में माइनस का 1। जैसे ही d बराबर माइनस का 1 आएगा तो आप क्या करेंगे, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ डी इंटू इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। तो जब फर्स्ट में आप रखोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारे पास है a प्लस 2d, तो a प्लस में 2 माइनस 1 और बराबर में 15, तो कितना हो जाएगा a प्लस, यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं आप, ठीक है, 2 × 2 माइनस का 2 बराबर 15। अब a बराबर में 15 + 2, तो a बराबर कितना हो गया हमारे पास में 17, a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 17 आ गई, समझ रहे हो आप। अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 17 आ गई, अब हमें निकालना है a10। तो देखिए a10 के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में a की वैल्यू आ गई है और d की वैल्यू आ गई है, अब हमें क्या ज्ञात करना है a10, राइट, क्या ज्ञात करना है a10, तो अब हमें निकालना है a10, लेट a10 बराबर में a प्लस में 9d, तो बराबर हमारे पास में क्या है, ठीक है ना, बराबर में a का वैल्यू 17 प्लस में 9 माइनस 1,
17 माइनस 9, 17 में से 9 गया तो 8 आएगा। तो वैल्यू ऑफ A10, भाई A10 का वैल्यू कितना आ गया 8, और D का वैल्यू कितना आ गया था -1। बस यही आंसर है और इसी प्रकार से आपको करना है, मैंने पहले भी बताया था। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर का क्वेश्चन है और ये हर 2 और 3 साल बाद रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इनका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20 टर्म, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें गिवन है, गिवन में क्या दिया हुआ है आपको, देखिए प्रथम 14 पदों का योग मतलब कि n बराबर में 14 और s 14 बराबर में 1050, प्रथम 14 पदों का योग फर्स्ट 14th टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 14th टर्म, हमारे पास प्रथम 14 पदों का योग कितना है 1050, फर्स्ट टर्म a बराबर में 10, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड बताइए, a 20 ज्ञात करना है हमें, ठीक है। चलिए तो बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिएगा कि इसमें जो हमसे बोल रहा है कि हमें कितने पद ज्ञात करने हैं, भाई 20 करने। तो सबसे पहले हमें a पता है, d नहीं है, तो d को कैसे निकालेंगे, जो गिविन है उसके बिहाफ पे चलते हैं। तो s 14 बराबर में 14/2 2a प्लस n माइनस 1, n के स्थान पे हमारे पास 14 है d। s 14 का वैल्यू कितना है 1050, इसे आप काटिएगा कितना आया 7 2, a का वैल्यू कितना है 10, 13 मल्टीप्लाई d, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 को इधर ले जाओ, 1050 और 7 यहाँ पे नीचे पहुँच जाएगा, बराबर में 20 प्लस में 13d, यहाँ पे इसे काटो, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 0। 1050 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 एकम 7 3 5, 7 पंजे 35 और जो 0 बचेगा ऊपर से ये 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 1050। तो आप देखेंगे 150 माइनस 20 बराबर में 13d, और जब आप d निकालेंगे तो हमारे पास में 130 बराबर में 13d और d बराबर में 130 बटे में 13, तो d बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास 10। d का मान आपका 10 आ गया है, d का मान कितना आया 10 आ गया, 10 d बराबर में 10। अब आपको क्या ज्ञात करना है, आपको निकालना है a20, राइट, a20 बराबर में a प्लस में 19d, तो बराबर में a की वैल्यू कितनी है 10, d की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 प्लस 9 में 10 की गुणा करेंगे 190 और जब जोड़ेंगे तो 200, कितना आ जाएगा हमारे पास में आंसर 200, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ओके। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना, a20 बराबर में 200, या आप लिख सकते हैं कि 20th टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 200, एपी का 20वां पद
200 है, एपी का 20वां पद 200 है। क्लियर है? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसी बिहाफ पे जितने भी क्वेश्चन है आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल 13 में एपी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18 डॉट डॉट मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी बुक में आगे नहीं है, मतलब कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए किस लिए है, क्योंकि देखिए अभी मैं कराता हूँ तब समझना ज़रा किस लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप गिविन लिखोगे, गिविन में आपको जो दिया हुआ है वो लिखेगा, क्या क्या दिया हुआ है सॉरी ए बराबर 24, डी बराबर आपको निकालना है लास्ट पद में से पहले पद को माइनस करो तो आपका डी बराबर में -3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको आपका योग, मतलब उसने बोला है कि ताकि उनका योग 78 हो जाए, मतलब कि इसने बोला है एस एन बराबर 78, ये भी आपको दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, एन फाइंड करना है, एंड फाइंड करना है। अभी बताते हैं किस प्रकार आप इसका एन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे एस एन दिया है, ठीक है, ए दिया है, डी दिया है, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है। तो ये कैसे निकलेगा, आइए सबसे पहले एस एन लिखते हैं। एस एन बराबर में 78 गिविन दिया है। एस एन का फॉर्मूला क्या है, एन बाय 2a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर में 78, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए n 2 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 प्लस एन माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3 बराबर 78 मल्टीप्लाई 2। मल्टीप्लाई हमने 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 हम इसको इधर ले जाएंगे। देखिए कभी भी जैसे हमने कहा n बाय 2 बराबर में x तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की गुणा x में हो जाएगी, इसी प्रकार से 2 की गुणा 78 में हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, n यहाँ पे 24 दूनी 48, ठीक है, प्लस में यहाँ पे जब गुणा करेंगे माइनस की n में तो माइनस का 3n आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, बराबर में जब इसकी गुणा करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में कितना आएगा 8 दूनी 16 एक, और देखेंगे आप यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, थोड़ा सा एरर आ गया था। चलिए 8 दूनी 16 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 156। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉल्व करिएगा n और यहाँ पे 48 और 3 को जब ऐड करेंगे 51 हो जाएगा, माइनस में 3n हो जाएगा यहाँ 156। अब क्या करेंगे आप, n की गुणा करिएगा यहाँ पे 51n यहाँ पे माइनस 3n का स्क्वायर 156। अब देखिए ये सारा आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाओगे तो 3n स्क्वायर माइनस में 51n प्लस में 156 बराबर 0, और अब ये इक्वेशन बन गई है। तो इस इक्वेशन को क्या करोगे, समीकरण को किससे, 3 से भाग देने पर डिवाइडेड बाय 3 राइट। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस में 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 17 3 51, ठीक है। देखिए अगर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ पे 51n प्लस 156 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, सभी को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 ख़त्म, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, यहाँ पे x स्क्वायर
यहाँ पे 17, यहाँ पे 52 आएगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये सारी बातें। अब क्या करेंगे आप यहाँ से आगे देखिए, अब हमारे पास में चैप्टर 4 में पहुँच चुके हैं। आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से बताऊंगा, यहाँ पे भी हमारे पास ये बनेगी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a और c का हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है 1 गुणा 52। 52 के ऐसे फैक्टर करो जिनका योग जोड़ने पर 17 आए। तो देखिए हमने क्या करेंगे, 13 गुणा 4, 13 चौके कितने होते हैं 52, और 13 और 4 चौके 52 होते हैं, 13 प्लस 4 17 होते हैं। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है। ठीक है, समझ में आया। तो n का स्क्वायर माइनस 13 प्लस में 4 n प्लस में 52 बराबर 0, n स्क्वायर माइनस में 13n और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस में 4n और प्लस में 52 बराबर 0। आपको ये बताया था हमारे पास यहाँ दो घर बनेंगे, पहले घर से n कॉमन लेंगे तो n माइनस में 13, इसमें हम 4 कॉमन लेंगे तो n माइनस में फिर से 13 बराबर 0। तो n माइनस 13 और यहाँ पे n माइनस में 4 बराबर 0। तो आगे आपको ये भी बताया गया था कि जब इस प्रकार से आप देखते हैं कोई भी दो शून्यांक, मतलब हमने a गुणा b का वैल्यू यदि 0 कह रहा है तो या तो a 0 होगा या फिर b 0 होगा या दोनों ही 0 होंगे। तो हमने कहा कि n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर 13, और दूसरी तरफ जब हम ले जाते हैं तो n माइनस 4 बराबर 0, तो n बराबर 4। अब यहाँ पे वैल्यू 2 आ चुकी हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई हैं 2। अब भाई n की वैल्यू होनी तो एक ही चाहिए, मगर जब यहाँ पे 2 आ चुकी हैं तो इन दो वैल्यू का आप क्या करोगे, आप कैसे निकालोगे। क्या बोला है उसने, बोला है ताकि उनका योग कितना होना चाहिए, 78 होना चाहिए। ठीक है, वैसे वैल्यू दोनों ही आएंगी। अब हम इसको सॉल्व भी करके देखे लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या यह है हमारा वैल्यू सही है या नहीं है। ठीक है, तो हम इधर आते हैं, प्लीज़ यहाँ तक सवाल सॉल्व आ चुका है। इसके वैल्यूज दोनों हैं, इसकी वैल्यू दोनों हैं, क्यों हैं उसके लिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए n कितना आया हमारे पास में, अब हम लेते हैं कि हमारे पास में Sn बराबर 78 कब होगा। हमने कहा यदि S4 कहें, S4 तो 4/2 और 2a प्लस में n का वैल्यू 4-1 और d है, क्या है d का वैल्यू हमारे पास है। देखिए 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 गुणा में हमारे पास में कितना था वो a की वैल्यू 24 और प्लस में 3 और गुणा -3 तो बराबर 2, 24 दूनी 48, 3 तिया 9 बराबर 2 गुणा में 18 में से 9 गया तो 9 बचा और यहाँ पे कितना हो गया 3, 9 दूनी 18। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, अरे वाह, एस एन जो है कितना हो जाएगा S4 बराबर में 78। AP के चार पदों का योग अगर मैं कहूँ 24, 21, 18 और अगला पद और अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 15, इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 78 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और देखते हैं, यहीं पर नेक्स्ट और देखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे नीचे लेते हैं, नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में क्या है S13 बराबर में, क्योंकि हमने 13 लिया है, अब 13 भी चेक करते हैं, 13/2 मल्टीप्लाई में 24 प्लस 13-1 और d का माइन -3। देखिए an की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया है देर ना करते हुए, तो 13/2 रहेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास 24 दूनी 48 और प्लस में 12 गुणा -3। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो 13/2 24 दूनी 48 हमारे पास है 48 माइनस में 12 इतनी 36, राइट। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 13/2 और गुणा में यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में 8 में से 6 गया 6 सॉरी 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 8 में से 6 गया
दो और चार में से तीन गया एक, ठीक है। अब इसे काटो जरा, कितना हुआ, छः बार कटेगा तो तेरह गुणा छः, तेरह छिंग कितने हो जाएंगे 78। तो दोनों ही कंडीशन में 78 आएगा। यदि एपी का चार पद होंगे, अगर कहेगा एपी के चार पद, जैसे इसमें बोला है कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 होए, या तो चार पद ले सकते हैं तो भी 78 आएगा, या हम क्या करेंगे तेरह पद लेंगे तो भी हमारा 78 आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार नंबर का क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज एंड टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 3 + 2n। संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n से दिया जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन 5.3 में दसवां क्वेश्चन है जो पूछ रहा है, उसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज एंड टर्म इज गिवन बाय, राइट। तो हमें पता है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, मान के चलेंगे भाई 24 पद दिए हैं फर्स्ट 24 टर्म का, मगर जब 24 टर्म का निकालेंगे तो हमें तो बहुत देर हो जाएगी निकालते, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना है, Sn का यूज करना है। Sn के लिए हमारे पास a होना आवश्यक है, d होना आवश्यक है, बट हमें तो उसने सिर्फ क्या दिया है, n दिया है। अब हम मान के चलते हैं, माना लेट ap के जो हमें लेट हम मानेंगे, माना n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर, अब हम मानते हैं, देखिए सुनिएगा, हमें जो nवां पद बोला है उसने an बोला है, तो हम मान लेते हैं भाई a1, देखिए n के स्थान पे 1, फिर क्या बोला है 3 + 2, जो दिया हुआ है पहले उसे लिखते हैं, an बराबर 3 + 2n। तो अब हमारे पास में क्या है, ये गिवन है, क्या है, ये दिया है आपको, तो जब ये दिया है तो a1 लिखते हैं, तो 3 + 2 × 1 = 3 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 5, a1 कितना हो जाएगा 5, पहला पद आपका 5 आ गया। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे, दूसरा पद 3 + 2 × 2, 3 + 2 × 4 7 हो गया। a3 निकालोगे 3 + 2 × 3, 3 + 3 × 6 9 आ गया। a4 निकालोगे 3 + 2 × 4, 4 × 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11। इस प्रकार से आपके पास में a1 बराबर में कितना हो गया 3, मतलब अगर हम कहेंगे ap, अब ap हमारे पास में कितनी हो जाएगी 5, 7, 9 और 11 .. ठीक है। तो हमारे पास a बराबर कितना हो गया 5, d बराबर 7 - 5 = 2 हो गया, और n बराबर 24 कहाँ से आया भाई, बोल रहा है ना फर्स्ट 24 पद, प्रथम 24 पदों का योग, तो s 24 ज्ञात करना है आपको, तो s 24 का फॉर्मूला 24/2, 2a प्लस में 24 - 1, और d बार बार तो बताना नहीं पड़ेगा, sn का फॉर्मूला काटो इसे, 12 2 × 5 23 × d का वैल्यू कितना है 2, 12 5 × 10 और 23 × 46 12 × 56 राइट, 10 और 46 को जोड़ा, 12 × 6 = 72, 2 × 7 12 × 5 = 60 और 7 = 6, 7 = 2। तो आप क्या करोगे, ap के जो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ
एंड एपी इक्वल टू 762। एपी के प्रथम 24 पदों का योग कितना है? 672 है। बच्चे इसके कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब कि नरेशन वाले क्वेश्चन हैं जो रह गए हैं, उन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। सोच रहे थे इसी वीडियो में करा दें तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो कल डेफिनेटली हम इसकी वीडियो एक और बनाएंगे। उसमें सिर्फ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दूसरा एक बात और मैं आपको विशेष तरीके से बताना चाहता हूँ, बच्चे एपी को अच्छे से पढ़िए। अभी आप जब आपके पेपर आएंगे तो उस समय हम एक क्रैश कोर्स चलाएंगे। उस क्रैश कोर्स में 30 मिनट की वीडियो होगी। इसमें अभी क्या बता रहे हैं आपको, बेसिक से एडवांस बता रहे हैं, बट उस समय आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पेपर में आएंगे। मैं वादा करता हूँ जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बच्चे उस वीडियो को देखेंगे, यदि आपने इस वीडियो और उस वीडियो को दोनों को देखा अच्छे से, तो मैं गारंटेड आपको बोलता हूँ कि आप जिस भी चैप्टर को चाहेंगे कि मुझे इस चैप्टर में जितने नंबर का आता है, जैसे मैंने कहा कि एपी में 5 नंबर का आता मिनिमम, मैक्सिमम 6 नंबर, ठीक है ना। देखिए ये अभी तक का जैसे कि मैंने एनालिसिस किया है, आपको ये भी पता है कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आ रहा है, और इस समय 30% सिलेबस हटा दिया गया है। 30% सिलेबस हटाया गया है, चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, ठीक है ना। चैप्टर के अंदर से वो सिलेबस को हटा दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे अभी कौन कौन से आपके क्या क्या क्वेश्चन हटाए गए हैं, उन सबको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको किस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आते हैं उन बिहाफ पे कराएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके थे वो आपको बताएंगे। बट हम आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियोस बनेंगी वो बेटा मिनिमम अभी 2 महीने बाद बनेंगी, लास्ट ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होंगी, मे बी क्रैश कोर्स जो स्टार्ट होगा। और एक आपसे विनती है कि आप सभी वीडियो को कम्प्लीटली देखा करें, और यदि वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक ज़रूर करा करें, शेयर करा करें, और अपने सभी मित्रों से बोलें जो नहीं आए हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे तो बेटा उनका फ़ायदा होगा। मुझे इस वीडियो से कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कि मुझे इस वीडियो से कोई पैसा मिल रहा है या आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से मेरे को पैसा मिलेगा। बेटा वो यूट्यूब का ज़माना गया कि जब बहुत सारे पैसे कमा रहे थे लोग, बाग या आज भी कमा रहे हैं। अभी तो हमें लोग, अगर हम इस फील्ड में गए तो स्ट्रगल है ये, ठीक है। और मुझे स्ट्रगल में कोई भी मतलब मजा नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा अगली वीडियो बनाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। अंदर से एक कहते हैं ना एनर्जी आती है, और जब आप शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मतलब मन करता है मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ। जब देख ही नहीं रहा है कोई, तो मुझे इस वीडियो को बनाने का फायदा क्या है भाई, समझ रहे हो ना बात को। तो अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर करें प्लीज। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय श्री राम, मिलते हैं।